लोकसभा के पहले चरण के मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होना है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। यही वजह है कि यह बेहद संवेदनशील भी हैं। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश को 1209 जोन और 12064 सेक्टर में बांटा गया है। प्रदेश के बॉर्डर को सील करने की भी पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके तहत 482 अंतर्राज्यीय और 129 अंतर्राष्ट्रीय बैरियर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश पुलिस ने चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की नकदी के साथ ही सोना चांदी और मादक पदार्थों को जब्त किया है। इस बात की जानकारी पुलिस मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने दी। आनंद कुमार ने यह भी बताया कि इस बार नए प्रयास के तहत सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल का गठन किया गया है। आनंद कुमार ने बताया कि पहले चरण के मतदान में 8 लोकसभा सीट और 10 जिले आच्छादित हो रहे। प्रथम चरण के लिए 130 जोन और 1308 सेक्टर बनाए गए हैं। 157 CAPF पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस फोर्स में CRPF, CISF, BSF, ITPP और SSB के साथ ही अन्य केंद्रीय बल है। 12 करोड़ के आसपास 2017 के विधानसभा में था और 2014 में कितना था? 5.5 करोड़ के करीब 2014 जब लोकसभा सामान्य निर्वाचन हुआ था उस समय ये जब्त किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि धन बल में उल्लेखनीय प्रगति पुलिस ने की है और अवैध धन को रोका है। साथ ही साथ अप्रत्याशित सोने की बरामदगी हुई है। 123 किलो सोना एवं 295 किलोग्राम चांदी बरामद की गई, जिसका कि कहीं न कहीं चुनाव से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल होने की संभावना थी। 13,998 किलोग्राम मादक पदार्थ, जिसकी अनुमानित लागत करीब 16.46 करोड़ है, जिसे उप टीमों द्वारा जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 96.40 करोड़ मूल्य की बहुमूल्य धातुएं एवं मादक पदार्थ व कैश की जब्ती की गई है, जो कि वर्ष 2017 के विधानसभा निर्वाचन में कुल जब्त की गई धनराशि धातु नारकोटिक्स के मूल्य 47.6 करोड़ से लगभग 50 करोड़ अधिक, अर्थात दुगनी से अधिक। अब ये टोटल आ गई फिगर यहाँ पे। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए धीरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।